कैसा होता है यूपीएससी एग्जाम, किस तरह तैयार किया जाता है रिजल्ट। हर वर्ष यूपीएससी के परिणाम आने के बाद टॉपर्स की कहानियां टीवी और न्यूज़पेपर्स में छा जाती हैं। ये कहानियां तैयारी कर रहे एस्पिरेंट्स को मोटिवेट करने में बहुत सहायक भी होती हैं। मगर इन परिणामों को देखने के बाद इस परीक्षा के पैटर्न को लेकर मन में एक कौतूहल भी उठता है, आखिर यूपीएससी की परीक्षा इतनी लंबी क्यों होती है? यूपीएससी किस तरह से आखिरी रिजल्ट डिसाइड करती है? रैंक्स कैसे डिसाइड होते हैं इत्यादि। आज के वीडियो में हम यूपीएससी के पैटर्न और रिजल्ट प्रोसेस पर बात करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां, जो आपकी किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफी मदद कर सकती है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और हमारे लेटेस्ट वीडियोज और अपडेट्स सबसे पहले आप तक पहुंचे इसके लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की, जो है कैसे होता है यूपीएससी एग्जाम, किस तरह किया जाता है रिजल्ट तैयार। पिछले कुछ वर्षों में सिविल सेवा आईएएस परीक्षा में कई बदलाव देखे गए हैं, और आईएएस उम्मीदवारों के लिए आईएएस परीक्षा की पूरी चयन प्रक्रिया को अच्छी तरह समझना अति आवश्यक है। आज के वीडियो में हम आपको यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का पूरा प्रोसेस, नोटिफिकेशन से रिजल्ट तक अलग अलग चरणों के बारे में बताएंगे। नोटिफिकेशन एंड एप्लीकेशन, ये सीएससी का पहला चरण है। किसी भी वर्ष परीक्षा आयोजित करने से पहले यूपीएससी उस परीक्षा के लिए आधिकारिक अधिसूचना या ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करती है। सामान्यतः ये फरवरी के महीने में जारी की जाती है। इससे उस परीक्षा से संबंधित जानकारियां जैसे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सीटों की संख्या, एग्जामिनेशन सेंटर्स इत्यादि दी जाती है। यदि परीक्षा में कोई बदलाव किया गया है तो इसकी जानकारी भी इस अधिसूचना में दी जाती है। इसके अलावा इसमें इंटरेस्टेड कैंडिडेट से एप्लीकेशन भी मांगी जाती है। अप्लाई करने के लिए यूपीएससी एक स्टैंडर्ड एप्लीकेशन फॉर्म जारी करती है, जो एक यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर भरा जा सकता है। आवेदन करने से पहले आईएएस उम्मीदवारों को रिक्त पदों के बारे में स्पष्टीकरण तथा आवश्यक दस्तावेजों के बारे में जानने के लिए पूरी अधिसूचना का अध्ययन अवश्य कर लेना चाहिए। पंजीकरण और आवेदन करने के लिए लगभग 25 से 30 दिन तक का समय मिलता है। ये प्रक्रिया सामान्यतः मार्च के दूसरे या तीसरे हफ्ते तक चलती है। प्रीलिम्स, एप्लीकेशन भरने के बाद यूपीएससी कैंडिडेट्स द्वारा दी गई सूचना को सच मानती है, और अगर आपकी फॉर्म में कोई टेक्निकल डिस्प्यूट ना हो तो प्रीलिम्स के लिए एडमिट कार्ड भी जारी कर देती है। इसके बाद मई के महीने में देश भर में अलग अलग सेंटर्स पर प्रीलिम्स एग्जाम्स कंडक्ट कर जाती है। ये परीक्षा का पहला चरण होता है। ये परीक्षा एक ही दिन में दो सत्रों में आयोजित की जाती है। ये दोनों सत्र 2 घंटों के होते हैं। प्रातः काल के सत्र में सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 के अंतर्गत कुल 200 अंक के 100 प्रश्न पूछे जाते हैं, जबकि दूसरे सत्र में सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 के अंतर्गत कुल 200 अंक के 80 प्रश्न पूछे जाते हैं। सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 को केवल क्वालिफाइंग कर दिया गया है, अर्थात आईएएस उम्मीदवारों को इस पेपर में पास होने के लिए केवल 33% मार्क्स अर्जित करने की आवश्यकता होती है। सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 में क्वालिफाइंग मार्क्स लाना अनिवार्य है, वरना सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 के मार्क्स का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त आईएएस प्रारंभिक परीक्षा के दोनों प्रश्न पत्रों में नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान भी है, जिसके तहत प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक को दंड के रूप में आपके सही उत्तरों से घटा दिया जाएगा। इसीलिए आईएएस उम्मीदवारों को उत्तर पुस्तिका में अपने उत्तर को चिन्हित करते समय काफी सचेत रहने की आवश्यकता है। आईएएस परीक्षा के अगले चरण, आईएएस मुख्य परीक्षा के लिए सफल आईएएस उम्मीदवारों की सूची केवल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 के मार्क्स के आधार पर ही तैयार की जाती है। मेंस, प्रीलिम्स में क्वालिफाई करने के बाद मेंस की परीक्षा होती है। आईएएस मुख्य परीक्षा में कुल 8 पेपर शामिल हैं, जैसे कि अनिवार्य आधुनिक भारतीय भाषा, निबंध पेपर, सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1, सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2, सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3, सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 4 और 2 वैकल्पिक पेपर्स। अनिवार्य आधुनिक भारतीय भाषा के मार्क्स आईएएस परीक्षा की मेरिट सूची तैयार करते समय मान्य नहीं समझा जाता है, जबकि निबंध पेपर के मार्क्स शेष 4 सामान्य अध्ययन पेपरों के मार्क्स तथा 2 वैकल्पिक पेपरों के मार्क्स
प्रत्येक पेपर के 250 मार्क्स यूपीएससी आईएएस परीक्षा की मेरिट सूची बनाने में मान्य समझा जाता है। मेंस की परीक्षा से पहले प्रीलिम्स में क्वालिफाई करने वाले कैंडिडेट्स को डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता है। इसमें कैंडिडेट्स को अपने बारे में विस्तार से जानकारी देनी पड़ती है, जैसे कि पढ़ाई लिखाई, हॉबीज एटसेट्रा। इस फॉर्म को बेहद सावधानी से भरना चाहिए क्योंकि इंटरव्यू में कुछ क्वेश्चंस इस जानकारियों के आधार पर भी पूछे जा सकते हैं। इंटरव्यू यूपीएससी द्वारा नियुक्त पैनल ही आईएएस उम्मीदवारों का व्यक्तित्व परीक्षण या पर्सनालिटी टेस्ट करते हैं, जिनके पास आईएएस उम्मीदवारों के करियर का रिकॉर्ड डीएएफ के रूप में दर्ज होता है। यूपीएससी द्वारा प्रयुक्त पैनल आमतौर पर आईएएस उम्मीदवारों द्वारा भरी गई डीएएफ और सामान्य हित पर आधारित मामलों से संबंधित प्रश्न ही आईएएस उम्मीदवारों से पूछते हैं। आईएएस साक्षात्कार का मुख्य उद्देश्य न केवल आईएएस उम्मीदवारों के बौद्धिक गुणों का विश्लेषण करना होता है, बल्कि आईएएस उम्मीदवारों के सामाजिक आचरण तथा लोक सेवाओं में करियर बनाने के लिए उनकी उपयुक्तता का भी विश्लेषण करना होता है। साक्षात्कार पैनल में सक्षम अधिकारियों और निष्पक्ष पर्यवेक्षकों को ही शामिल किया जाता है, जो आईएएस उम्मीदवारों की मानसिक क्षमता या परीक्षण अच्छी तरह से कर सके। रिजल्ट एंड रैंकिंग। आमतौर पर पिछले वर्ष की यूपीएससी आईएएस परीक्षा का अंतिम परिणाम वर्तमान वर्ष के मई के महीने में आता है। अंतिम परिणाम में मेरिट लिस्ट मेंस और इंटरव्यू दोनों के मार्क्स को मिलाकर तैयार की जाती है। अब बात रैंकिंग की। रैंकिंग इस बात पर निर्भर करती है कि उस साल किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसीज निकली हैं और अलग अलग कैटेगरी में लोगों ने कौन सा ऑप्शन चुना है। जो भी व्यक्ति एग्जाम देता है वो पहले ही मेन एग्जाम के फॉर्म भरते समय अपनी प्रेफरेंस क्लियर कर देता है कि उसकी पहली प्रेफरेंस आईएएस है, आईएफएस है या आईपीएस है। इसी आधार पर मेरिट लिस्ट निकलती है। उस हिसाब से जिनके सबसे ज्यादा नंबर आते हैं वो आईएएस आईएफएस बनते हैं। उसके बाद धीरे धीरे घटते हुए मार्क्स के साथ आगे के पोस्ट भी मिलती जाती हैं। यहाँ हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हर साल वैकेंसीज की संख्या अलग अलग होती है। हालांकि धीरे धीरे हर वर्ष इसमें थोड़ी बहुत बढ़ोतरी हुई है, लेकिन एग्जाम देने वालों की संख्या भी तेजी से बढ़ी है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें, और अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी सवाल है तो कॉमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताएं। जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम्स। नमस्कार। यूपीएससी की प्रीलिम्स परीक्षा में गारंटीड सक्सेस के लिए भारत का प्रसिद्ध पब्लिशर प्रभात प्रकाशन आपके लिए लाया है यूपीएससी 26 वर्षों के टॉपिक वाइज सॉल्व पेपर्स। आईएएस डॉक्टर मनीष रंजन की इस बुक में है एक्सप्लेन्ड आंसर्स और ट्रेंड एनालिसिस। इसके साथ ही जरूर पढ़ें यूपीएससी सीसैट, जिसमें है पेपर 2 के 2011 से 2020 के सॉल्व पेपर्स। ये दोनों बुक्स इंग्लिश में भी अवेलेबल हैं। आज ही ऑर्डर करें ऑनलाइन अमेज़न या फ्लिपकार्ट से और क्रैक करें यूपीएससी एग्जाम।